मिनट लोग आएंगे चला गया। नमस्कार, स्वर संस्कार और स्वर संस्कार चौपाल की इस सांध्यकालीन वेला में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में दो दो विभूतियां हमारे बीच उपस्थित हैं। सिद्धपीठ बड़ी गंगादास की शाला के महंत पूरन बैराठी पीठाधीश्वर स्वामी राम सेवक दास जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और दूसरे हमारे अतिथि कला अतिथि ग्वालियर घराने के मूर्धन्य गायक पंडित पीएल गोहत्कर का मैं भी हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बड़ौदा यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट के डीन डॉक्टर राजेश केलकर भी उपस्थित हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और ग्वालियर घराने के गायक पंडित महेशदत्त पांडे जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये संगीत की महफिल है मित्रों, और संगीत की महफिल, संगीत के बारे में बड़े बड़े विद्वानों, संगीत क्या है? रस की सृष्टि करने वाली सुव्यवस्थित ध्वनि को संगीत कहते हैं। संगीत के बारे में बड़ा ही सुंदर दोहा है, सुंदर मन मृग रसिक है, सुंदर मन मृग रसिक है, नाद सुने जब कान, हले चले नहीं ठहरते, रहो कि निकसो प्राण। तो सबसे पहले सरस्वती जी की पूजन अर्चन के बाद हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं आज के अतिथि महंत जी से, डॉक्टर गोहत्कर साहब से, डॉक्टर केलकर साहब से, पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और माँ सरस्वती का पूजन अर्चन करें। मैं स्वर संस्कार के गुरु संजय देवले जी से आग्रह करता हूं कि भी अतिथियों को लेकर आए। आज की ये सभा विशेष सभा है। आज पंडित आगरा घराने के मूर्धन्य गायक पंडित जितेंद्र अभिषेक जी का जन्मदिन भी है। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वर संस्कार के गुरुकुल के गुरु श्री संजय देवली से आग्रह करता हूं कि वे अतिथियों को उनके स्थान पर व्यवस्थित ढंग से बैठाएं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे अतिथियों का स्वागत करें उस पार से। संजय देवले साहब, Thank you.
मित्रों, हमारे बीच में बड़ौदा से पधारे डॉक्टर राजेश केलकर उपस्थित हैं। वे हमारे अतिथि कलाकार हैं। स्वर संस्कार की पिछले दिन 20 तारीख से जो वर्कशॉप शुरू हुई है, वे उसमें प्रशिक्षण देने के लिए विद्यार्थियों को उपस्थित हुए हैं। मैं आज के अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे डॉक्टर केलकर का सम्मान करें। मैं पांडे जी से भी आग्रह करूंगा कि सम्मान के शुभ कर्म में वे भी शरीक हो जाएं। उधम सिंह जी, आप भी खड़े हो जाए। साथियों, मित्रों, मैं स्वर संस्कार के बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से लगभग हम कोरोना नाम की ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसने सारा जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। ऐसी एक जानलेवा बीमारी हमारे बीच में आ गई है जिसको लेकर सारा समाज सहमा हुआ है। लोग डरे हुए हैं और अभी भी पूर्ण रूप से इसका खात्मा नहीं हुआ है। ऐसे समय में जब पिछले 2 साल से लगातार कोरोना के चलते बार बार लॉकडाउन लगे और एक तरह से ज़िंदगी थम सी गई, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां ठप पड़ गईं, ऐसे में जो मन को सुकून देने वाला संगीत है वह भी कहीं थमसा गया था और कलाकारों की भी बड़ी विचित्र स्थिति हमको देखने को मिली। ऐसे समय में जो ग्वालियर में संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं संजय देवले जी, उन्होंने एक फेसबुक पर पेज तैयार किया स्वर संस्कार के नाम से और उससे लगातार लोगों को जोड़ा। हर शनिवार रविवार को उस पर संगीत सभाएं शुरू हुई और कालांतर में आज यह एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ा मंच बन गया है संगीत का। ग्वालियर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के अलावा जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन से भी लोग इससे जुड़ रहे हैं और इस पर जो रियाज सेशन भी शुरू हुआ है उससे भी लोग बड़े लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसी क्रम में आज ये स्वर संस्कार पेज की एक और स्वर संस्कार चौपाल जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उनका एक पूरा का पूरा आयोजन है। तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की संगीत सभा की। मैं प्रथम प्रस्तुति के लिए जो स्वर संस्कार के जो गुरु हैं संजय देवले जी, उनके जो शिष्य उन्होंने तैयार किए हैं, जो आज आगरा घराने की 2 बंदिशें प्रस्तुत करेंगे जो संजय देवले जी के मार्गदर्शन में तैयार किए हैं उन्होंने प्रस्तुत करेंगे। मैं उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि वे आएँ। कुमारी साक्षी पांडे, वर्षा मित्रा, गीतिका वासवानी, हर्षाली नायक, मीनाक्षी नागपाल, बल्लरी मोगे, वर्षा भदौरिया, श्रेष्ठ निरंजन, मयंक नागपाल और भावेश गोयल, इन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इनके साथ तबले पर रहेंगे पवन माहौर और हारमोनियम पर साथ देंगे
प्रतीक घोड़के। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनूप मोग जी से आग्रह करता हूं कि वे तबले पर संगत कर रहे पवन माहौर साहब और प्रतीक घोड़के जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं उनका पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन करें। धन्यवाद।
दोस्तों, अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। अब स्वर संस्कार की इस महफिल में हम आपके समक्ष बड़ौदा यूनिवर्सिटी के डीन, परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर राजेश केलकर को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हों। संक्षिप्त परिचय में आपके समक्ष देना चाहता हूं। डॉक्टर राजेश केलकर एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल उच्च कोटि के शिक्षक हैं बल्कि चुनिंदा जो परफॉर्मर हैं उनमें भी शुमार होता है उनका। आपने आगरा घराने के प्रख्यात गायक पंडित मधुकर जोशी, पंडित दिनकर कैंकड़ी और डॉक्टर बसंत रानाडे जैसे विद्वानों से संगीत की तालीम ली है। इसके साथ ही आपने ग्वालियर घराने के नारायण राव पटवर्धन साहब से भी संगीत की शिक्षा ग्रहण की है। तो ऐसे मूर्धन्य गायकों से जिन्होंने संगीत की तालीम ली है उनका गायन आज हम यहाँ सुनने जा रहे हैं। आप टीवी रेडियो के उच्च कोटि के कलाकार रहे हैं। इसके अलावा आप ICCR से भी जुड़े हुए हैं। आप अमेरिका और यूरोपियन देशों के कई सांगीतिक यात्राएं कर चुके हैं और हिंदुस्तान में भी आपने विभिन्न संगीत सम्मेलनों, संगीत समारोहों में शिरकत की है। वे स्वयं भी बड़ौदा में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और देश दुनिया के कलाकारों को वहां पर आमंत्रित करते हैं। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में रहते हुए और गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपने देश में अनेक शिष्य तैयार किए हैं जिनमें से हमारे ग्वालियर के यश देवले भी शामिल हैं और उनके साथ जो दो शिष्य आज साथ में बैठेंगे तबले पर और हारमोनियम पर और गायन में सहयोग देंगे, सॉरी वे भी उनके शिष्यों में शुमार हैं। आपके साथ तबले पर आज दुष्यंत जी उपस्थित रहेंगे, दुष्यंत रूपोलिया जो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपके शिष्य हैं, जबकि गायन में सहयोग करेंगे जनक दासकिया, वे भी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके साथ हारमोनियम पर संगत करेंगे ग्वालियर के पंडित महेश दत्त पांडे जी जिन्होंने पंडित सीताराम शरण महाराज जी से संगीत की तालीम ली है। आप आकाशवाणी से रिटायर्ड हैं। मैं पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और मैं स्वर संस्कार के गुरु संजय देवली से आग्रह करता हूं कि वे अतिथि कलाकारों का पुष्पहार से अभिनंदन करें। जेबले साहब से आग्रह कि वे अतिथियों का, कलाकारों का स्वागत करें। डॉक्टर राजेश केलकर साहब, दुष्यंत रूपोलिया जी और महेश दत्त पांडे जी, जनक जासकिया जी।
आप आइए ना यहाँ पे नजदीक ही आ गई। ग्वालियर हमेशा या ग्वालियर की परंपरा या ग्वालियर घराने के विद्यार्थियों का कलाकार बनने में छोटी छोटी महफिलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं समझता हूँ कि ये महफिल उसी दायरे के भीतर आती है। उसमें सारे लोग अपने लोग होते हैं, चाहे वो कलाकार हों श्रोता हों, और वो स्थान जितने लोग आए हैं मैं उनका बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत स्नेह के साथ आपने आज यहाँ आ गए हैं। मैं चाहता हूँ ये ग्वालियर की एक परंपरा के बारे में बताया, महफिलों की परंपरा, तो मेरा देवले साहब से आग्रह है कि वे इस अनूठी परंपरा को कायम रखें। ये कोई एक अनूठी संगीत सभा मैं इसको मानता हूँ, और इसमें डॉक्टर केलकर साहब बड़े सहृदय व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा ये शिष्यगण जो बैठे हैं, देवले साहब हैं, आप बीच में सवाल जवाब भी कर सकते हैं किसी चीज़ को लेके, प्रस्तुतियों को लेके, रियाज परंपरा को लेके। तो मैं देवले साहब से कहूँगा कि वे इस कमान को संभालें और केलकर साहब से बीच बीच में वार्तालाप भी चलता रहे। सादर वंदन, मैं हिम्मत कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। पांडे सर, देवड़े सर, और सभी गुरुजनों गुणीजनों को और विद्यार्थियों को मेरा नमन, अनूप जी को भी, क्योंकि आप सब रसिक हैं और रसिकों की वजह से ही गायक का परिचय होता है, उनका अस्तित्व है, उनकी पहचान है। मैं प्रयास करूँगा जो भी मेरे गले के अनुरूप आज मैं गा पाऊँ। गलती होगी तो माफ़ कर देना। जैसे गुरुजी ने बताया है कि बीच बीच में बातचीत भी होगी। आगरा और ग्वालियर एक ही सिक्के की दो पहलू है, दो बाजू हैं। गोदकर जी के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ था 2-3 बार फोन पे, जब मेरा पीएचडी चल रहा था। तो आगरा और ग्वालियर कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ग्वालियर की गायकी पर आगरा वालों ने शब्दों का आरोपण किया है और उसके आधार से वो आगे बढ़ते हैं, ये तात्विक फर्क है। बाकी दोनों ने एक विशिष्ट गति में गाया, विशिष्ट शुद्धता के साथ गाया, पवित्र के साथ गाया, बंदिशों को महत्व दिया,
उनको एक मूर्ति के समान मानकर उनकी पूजा की, वही परंपरा आगरे में भी है। गुरुजनों से भी जो भी कुछ सीखा हूँ उसका छोटा सा नमूना मैं पेश करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। राग नंद, राग नंद ये अत्रौली घराने से आगरा घराने में आया। उसके रचयिता कुछ लोग कहते हैं महबूब खान दरसपिया स्वयं थे, उसमें विवाद हो सकता है, परंतु उनकी बंदिश जो है वो सर्वस्वीकृत है ए बारे से यहाँ। और भी दूसरी बंदिश है गोविंद बीन बजाए, मैं शुरू से थोड़ा कंफ्यूज था कि किस बंदिश को गाऊं, पर शायद मैं अंतरा भूल कहीं ना जाऊं, इसलिए गोविंद बीन बजाए के बदले ए बारे से यहाँ मैं गाता हूँ। धन्यवाद।
बारे सैया
Yeah, bye.
पायल मोरी बाजे जनन जन पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे पायल मोरी बाजे जनन 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 अत डर पावे पावे मोरा जिया अत डर पावे अत डर पावे मोरा जिया अत डर पावे मोरा
मैया पाए मोरी बारे जनन जनन पाए मोरी बारे जाग परी घर की लो गई घर की लो गई या घर की लो गई घर की लो गई या घर घर की लो गई या घर की लो गई घर की लो गई या जाग पड़ी घर की लो गई
घर की लुगैया, घर की लुगैया, घर की लुगैया, घर की लुगैया, जाग भरी अत डरबावे मोरजिया, अत डरबावे मोरजिया, पाय मोरी बारी जन नयन वाय मोदी पारे जनन जनन पायल मोदी पायल मोदी पायल मोरी पार जनन जनन तटर अत डर पावे मोराजिया पायल मोरी पारे जनन जनन कैसे कार बैठी हुई आवाज में गवा लिया क्या है कि दो दिन से निचले स्वर लग ही नहीं रहे मेरे, पता नहीं वो प्रवास की वजह से, उसके पहले भी काफी टेंशन रहा डिपार्टमेंट का, तो उसका पहला असर गले पे होता है। काय कितनी वजह सर, बातचीत आपने कहा था कुछ वो करना, तो वैसे भी 5 मिनट बीच में क्या आनंद, आपने आनंद ला दिया सर, शायद इसीलिए इसको आनंदी कल्याण भी कहते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से हर घराने के अपने राग होते हैं, तो अगर इन बच्चों को या सुनने वाले श्रोताओं को ये मालूम पड़े कि आगरा घराने के कौन कौन से राग हैं जिनको जो गाए जाते हैं मंच पर। जी, मैं राग के पहले मैं एक खास बात बताऊँ आपको, 4-5 रागों के नाम बताऊंगा, उसकी कौन सी बंदिश आपको पता है उसका जवाब देना, ठीक है। राग यमन, राग यमन बोलते ही कौन सी बंदिश पॉपुलर दिमाग में आती है, जहन में आती है, वो आगरे की बंदिश है, ठीक है। उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब करके थे, उनके बड़े भाई थे मनहर पिया नाम से, अब्दुल्ला खान। अच्छा, राग जोग में कौन सी बंदिश, वो उस्ताद अता हुसैन खान साहब की बंदिश, जिन्होंने फैयाज खान साहब की जब शादी हुई उनके बहन के साथ, तो उनके पिताजी दरस पिया, महबूब खान दरस पिया, उन्होंने 500 बंदिशें उनको दहेज में दी। और साजन मोरे घर आए, ये शब्द रचना उन्होंने करी और उनको अर्पण की। उस जमाने में एक सिलसिला था, परंपरा थी कि जूनियर कोई आर्टिस्ट कोई बंदिश बनाता है
तो वो किसी ना किसी को अर्पण कर देता था, बराबर गोहत्कर साहब। तो उन्होंने ये अता हुसैन खां साहब ने अपने गुरु उस्ताद फयाज खां साहब को अर्पण की, और अता हुसैन खां साहब एक प्रसिद्धि से परान्मुख ऐसे कलाकार रहे, बहुत ही गुणी कलाकार थे, और स्वयं फयाज खां साहब की वो छांव की तरह वो हमेशा रहे, छाया की तरह रहे। और वो फयाज खां साहब रंगीले थे और ये फयाज खां रंगीले रसीले थे और ये बेहद सात्विक थे, तो खां साहब उनकी मौजूदगी में कोई भी शरारत नहीं करते थे। यानी कहने का मतलब एक दूसरे को पूरक थे, और कोई भी बंदिश या राग वो भूल जाए तो तुरंत है आता उसे उसके क्या शब्द है बताओ, इस तरह से सिलसिला चलता था। दूसरा राग मैं बताऊं, जैसे शुद्ध सारंग, कौन सी बंदिश सीखे हैं आप? अब मोरी बात, वो भी फयाज खां साहब की बंदिश। नंद तो पायल मोरी बाजे, और दूसरी है अजहुना आए शाम बहुत दिन बीते। तो ऐसे कई राग और उनकी बंदिश उनका स्टैंप बन गया उस राग, उस परंपरा का। बात ऐसी है कि आगरा और ग्वालियर में कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं। अंतर होता है कुछ ऐसे राग विशेष करके अक्षोप राग, जैसे बरवा, वो आगरे में ज़्यादा गाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्वालियर में नहीं गाया जाता, ग्वालियर में भी गाते ही होंगे, पर आगरे में फयाज खां साहब ने उसको बहुत पॉपुलर किया। अभी जय जयवंती सभी गाते हैं, पर फयाज खां साहब की जय जयवंती में कुछ अलग रंगत थी। कुमार गंधर्व जी का एक इंटरव्यू मैंने सुना है और वो एक आर्टिकल भी पढ़ा, रामकली, तो फयाज खां साहब का वो स्टैंप बन गया था, रामकली यानी फयाज खां साहब। वो बसंत कम गाते थे पर परज ज़्यादा गाते थे, क्योंकि उसमें एक कोमलता है। अब मज़े की बात, उनकी आवाज़ बड़ी भारी और राग बड़ा कोमल, तो ये उनकी खासियत थी कि कितनी भी कठिन या सहज सुंदर रागों को वो बिल्कुल खिलौने की तरह उसके साथ खेल सकते थे। तो अप्रचलित राग कुछ है उसमें, नट बिहाग, बरवा, गारा कानड़ा, दीपक केदार, ऐसे कई राग हैं। अभी नए रागों में मैं हमेशा कहता हूँ दो राग गई शताब्दी में ऐसे बने कि सभी म्यूजिशियंस यानी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वोकलिस्ट सभी गाते हैं बजाते हैं। ऐसे दो मोस्ट पॉपुलर राग है तो सालग वराड़ी और जोग कंस, है ना सर, आप भी बजाते हैं। तो ये दोनों राग भी आगरा परंपरा से हैं। सालग वराड़ी लाए पंडित रातन जनकर जी। अच्छा, इसमें एक बात मज़े की, जब उन्होंने पहली आवृत्ति में ये इस राग का उल्लेख किया तो उन्होंने कहा है कि ये दक्षिण भारत की ये स्केल से मैंने लाया है। दूसरी आवृत्ति आने तक उनको पता चला कि ये संगीत पारिजात में इस स्केल का वर्णन है, तो तुरंत उन्होंने मेघनाद या ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल गया, इस स्केल से उनको क्रेडिट दिया। देखो कितनी महानता है, नहीं तो कोई भी कह देता कि ये मेरा राग है। आजकल किसी से धुन सुन ली, वो गा लिया तो अपने नाम कर देते हैं। तो यहाँ तो उनको दो आवृत्तियों के बीच जब पता चला तो उन्होंने उसकी क्रेडिट ओरिजिनल ग्रंथकार को दी। दूसरा है जोग कंस, जो पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित उन्होंने बनाया। उसकी कहानी ऐसी है, मैं एक झलक बताता हूँ, आप रिलैक्स। एक आगरे में भैरवी जैसा चंद्र कंस है, उसमें पंचम लगता है और अवरोह में थोड़ा सा हल्का सा ऋषभ लगता है। षड्ज पंचम लगे, ए बेगिया बन कर प्यार धिंधिंता, कर प्यार रहमार भेगी आपन कर
हम आपे गिया बन कर प्यार। अभी वो गा रहे थे जगन्नाथ बुआ, ये बेगिया बन शुद्ध लग गया, ये बेगिया बन कर प्यार। तो सोचने लगे, वो मुखड़ा उनको बड़ा प्यारा लगता। आगरे वाले क्या है, वो नाटक करते हैं, गाते गाते कई बार बोल रहे हैं ऐसा लगता है, वो गा नहीं रहे। अरे हाँ बेगी, अभी ये एक्स्ट्रा म्यूजिकल उसकी वैल्यू है। नारायण राव पटवर्धन जी ने मुझे बता कि अरे हाँ बोलना है, वो बंदिश में कहाँ है अरे हाँ, पर उससे नाटकीयता एक आकर्षण पैदा होता है। तो उसका बहुत उपयोग फैयाज खान साहब ने किया, तो वही आगरे वाले काफी लोग करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये बेगिया वन, अभी ये कोमल कहता ये बेगिया वन कर प्यार, उसका ही मुखड़ा डिट्टो लिया, ए सुघर पर प्यार, सुघर पर पाया है ना। अब गंधार का जवाब क्या है, शुद्ध निषाद। तो उसको रेगुलर करते हुए उन्होंने एक राग बनाया, उसको कहते कौशी। और सबसे पहले उन्होंने वो सिखाया पंडित कुमार गंधर्व जी को, और वो इतना पॉपुलर हुआ। उसके बाद काफी साल जगन्नाथ बुआ उसको गाए नहीं, तो उन्होंने कुमार जी को बताया कि आप जरा सुनाओ। बोले नहीं, मुझे आप ये दो तीन राग है वो जब सिखाओगे उसके बाद ही मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखो बात ऐसी है, जगन्नाथ बुआ का खुद का राग वो सिखा नहीं रहे पर एक दूसरे से परस्पर इतना सम्मान और प्यार था, रिस्पेक्ट था, कि उन्होंने वो दो तीन राग सीख लिए और फिर उनको बताया जगन्नाथ बुआ। फिर जगन्नाथ बुआ ने उसको बताया देवधर साहब को, तो देवधर साहब बोले भाई आप उसको कौशी बोलते हैं, अब जो हम आजकल चंद्रकंस जो गाते हैं ना, वो ऐसा कहते कि देवधर साहब का कंट्रीब्यूशन है, शुद्ध निषाद वाला जो राग है वो देवधर साहब का बनाया हुआ। तो बोले चंद्रकंस आर जोग, तो जोग आगरे का, और आप जो कह रहे चंद्रकंस वो आगरे का चंद्रकंस उनको अभिप्रेत था, उसमें ये शुद्ध निषाद मेरा भी आपने लगा दिया, तो उसको जोग कंस क्यों नाम नहीं देते, तो इसलिए उन्होंने जोग कंस नाम दिया। और उसको सबसे पहले रिकॉर्ड में गाया माणिक वर्मा जी। तो ये थोड़ी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी आगरा की, कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको शेयर करूँ जी। तो ऐसे राग है, अभी जोग कंस और सालक वराड़ी आगरे का राग है, वैसे गारा कनाडा, फिर अपना आगरे घराने का चंद्रकंस है, बरवा है, नट बिहाग है, फिर दीपक केदार है, ऐसे अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहे पर काफ़ी राग है मैं सीखा हूँ। खंबावती आगरे में बहुत गाते हैं, हालांकि ग्वालियर में भी गाते हैं, खट भी गाते हैं, बड़ा नटखट राग है। तो ऐसे कुछ राग आगरे की खासियत है ना। परज कालिंगड़ा, परज और कालिंगड़ा दोनों सॉफ्ट राग है, उनका इतना बढ़िया जंक्शन उन्होंने ढूंढ के परज कालिंगड़ा बना दिया। अच्छा एक राग है, मैं आपको झलक सुनाता हूँ। विलायत हुसैन खान साहब ने एक बहुत बढ़िया धुन सुनी सोहनी के स्वर, उसमें पंचम लगा दिया उन्होंने। अच्छा वो धुन थी एक पारंपरिक शादी में गाते हैं, जो थारी यार बारी रे वारी रे रूढ़ी रे बना बना, ऐसी वो धुन थी। अब मैं उनकी आवाज में गा रहा हूँ इसलिए थोड़ी मुझे भी तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, बट कुछ कलर ऐसे हैं म्यूजिक में भी, उसको उस ढंग से अगर गाएंगे तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। मैं अभी अगर अब्दुल करीम खान साहब स्टाइल से आगरा घराना गाने में बैठूँ तो लोग मुझे मारने आएंगे, ठीक है, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है, उस पर कोई
वाद ही नहीं हो सकता। बट कहने का तात्पर्य, इनका कहने का ढंग कहन अलग, उनकी अलग, और दोनों अपने आप में बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने बंदिश बनाई, उसको क्या कहा है, पंचम सोहिनी। सखी मोरे प्रीतम, सखी मोरे प्रीतम, सखी मोरे प्रीतम, प्यारे सो जाए कहो बिरहा सताए, सखी मोरे प्रीतम। आप गा सकते हैं 10 मिनट, उसमें कोई ऐसा खास बात है नहीं है, पर उनकी कहन ऐसी है कि ये ऐसे और कॉम्बिनेशंस भी श्रोताओं पर प्रभावित करते थे। उनकी रिकॉर्ड है, आप सुन सर्च करिए, पंचम सोहिनी विलायत हुसैन खान इंटरनेट पर है। अब ये बात निकली है इसलिए वो जालिम अजब गाते हैं। एक बहुत पुरानी बंदिश है, और हाजी सुजान खां जब वो कन्वर्ट हुए तो उनको दो दो भगवान दिख रहे थे, एक भगवान शंकर और एक अल्लाह। तो उस कंफ्यूजन में ये बनाई हुई बंदिश है और राग सोहनी की है। जालिम अजब कहे
प्यारी मेडा नगर नहीं आबंदा हो प्यारी मेडा नगर नहीं आबंदा प्यारी मेडा एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर। आज हमारे अपने बुआ साहब की जन्मदिन है। अक्सर मेरे मन में सवाल आता है कि एक गुरु के पास 10 साल 12 साल एक आर्टिस्ट एक कला विद्यार्थी सीखता है और वो फिर किसी दूसरे गुरु के पास केवल बंदिश सीखने के लिए जाता है, तो वो बंदिश में की गायकी वो जो 10 साल पहले जो सीखा हुआ होता है वो होती है, या फिर वो जो बंदिश जिस घराने की है उस घराने की बंदिश के हिसाब से उस बंदिश को प्रस्तुत करता है, या वो अपनी 10 साल की तपस्या को उसमें डालता है? बहुत कठिन सवाल है और मेरे लिए उसका जवाब देना भी मुश्किल है, परंतु मैंने जो मेरे रिसर्च के दौरान अभिषेकी जी का व्यक्तित्व चरित्र मैंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने गिरिजाबाई केलेकर, अजमत हुसैन खां साहब, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, फिर अजीजुद्दीन खां बाबा, ये छोड़कर जगन्नाथ बुआ पुरोहित हाँ आ गए, और खादिम हुसैन खां साहब से कितना सीखे मुझे नहीं पता, परंतु गिंडे साहब के पास ये जो कटियार काजात घुसली नाटक उसमें जो घई छंद मकरंद सालक वराड़ी में है वो राग सीखने के लिए वो 6 महीने गए, ऐसे मुझे अजय गिंडे जी ने बताया। यानी ऐसी गुणग्राही वृत्ति मधुकर वृत्ति वाला जब एब्सॉर्ब करता है तो वो किसी भी मोल्ड में ढाल दे तो वो रसिकों को अच्छा ही लगेगा, उसमें रस पैदा ही होगा, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थी कि उनको सिर्फ सब कुछ सुंदर दिखता था और सुंदर ही प्रस्तुत होता था। उसका एक उदाहरण, मैं एक छात्र के रूप में मुझे सौभाग्य मिला कुमार गंधर्व जी के साथ 3 दिन रहने का। मैं हमेशा कहता हूँ वो इंटरनेट पे है, आप सिर्फ राजेश केलकर और कुमार गंधर्व सर्च करिए तो बड़ौदा का दरबार हॉल पैलेस में लक्ष्मी विलास पैलेस का वीडियो है, तिलक कामोद, मालवती, अड़ाना, बागेश्री, कौशी कानड़ा, एक के बाद एक उन्होंने बहुत गाए थे। तब मैंने उनको ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पागल जैसा सवाल पूछा था, मैंने कहा आप पंडित जी आप कितना घंटा रियाज करते हैं, अभी ये मेरी हैसियत है क्या ये सवाल उनके पर, मैं प्योर था मुझे ऐसा लगता था ईमानदारी से पूछा, बोले मैं यही रियाज तो हो रहा है 24 घंटे। मैंने कहा ये कैसे, तो बोले आप समझ जाओगे। हम गए गरुड़ेश्वर यात्रा, उनके गुरु के गुरु की यात्रा में दर्शन के लिए समाधि स्थल में वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज, तो रास्ते में अचानक वो गाने लगते थे और वो सुर उनका आखिर तक कायम रहा। वहाँ तो कोई हारमोनियम नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं, मेटाडोर तब की लग्जरी गाड़ी, ठीक है। तो कुमार गंधर्व जी को मैंने पूछा कि आपके सबसे प्रिय कलाकार कौन। अब कुमार गंधर्व जी बहुत कठिन व्यक्तित्व था, किसी की तारीफ करना उनसे इतना सहज नहीं हो, उन्होंने ये नाम दिया पंडित जितेंद्र अभिषेकी का। इमीजिएटली जो सर्जन कर तो कुठल्याही परिस्थितीत तो खरा कलाकार, जो क्रिएटिव है तो कलाकार, जो सृजनात्मक योगदान देता है वो कलाकार। आप बताऊं क्या नहीं एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, मैं भावगीत, नाट्य संगीत, क्लासिकल को एक नई दिशा देना, इतने सारे शिष्य पैदा करना, नाटक में संगीत देना
और वसंतराव देशपांडे जैसे बुजुर्ग कलाकारों से, राम मराठे जैसे लोगों से गवाना, एक जूनियर आर्टिस्ट उनसे 10-15 साल छोटे थे, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब ऐसे कलाकार इन कलाकारों के पास जाते हैं तब अपने आप में वो बंदिश ढाल देते हैं। दूसरा एक पॉसिबिलिटी डायमेंशन ऐसे होता है कि अभी जैसे उन्होंने देवता भैरव गाया है, द्वितीया भैरव भी उसको कहते हैं अजमत हुसैन खां साहब का, वो बिल्कुल उन्होंने अजमत हुसैन खां साहब को ध्यान में रखकर गाया, पर दूसरे काफ़ी राग है, उन्होंने शिवमत भैरव गाए, वो उसमें जगन्नाथ बुआ पुरोहित झलकते हैं, और काफ़ी जैसे छायानट है उसमें बिल्कुल उनका ग्वालियर दिखता है, यानी उनकी प्रतिभा ही असाधारण थी। तो ये उनके हिसाब से, पर नए कलाकार कई बार अपने हिसाब से कुछ, जैसे उस्ताद अमीर खान साहब ने फैयाज खान साहब की तड़पत हूँ जैसे जल बिन गाई है, बहुत ही खूबसूरत गाई है। और बम्बई में NCPA में एक प्रोग्राम हुआ, एक कंपोज़र एक रचना और दो गायक, तो उसमें अमीर खान साहब ने गाने के बाद ऐसे सब पागल हो गए कि क्या रोमांटिक गाना चल रहा है, ऐसे हवा में तरंगे बह रही है, और क्या बोलते हैं वो फीदर यानी पीछ हवा में बह रही है, ऐसे लगा। और फैयाज खान साहब का उसके बाद में शुरू किया तो वो भी ज़बरदस्त रंग, लोग ऐसे हो गए तुरंत तेज तर्रा। तो कहने का मतलब एक ही बंदिश दो अलग अलग ढंग गाने से भी इतना ज़बरदस्त प्रभाव हो सकता है, बशर्ते वो कलाकार प्रतिभा संपन्न हो। कल के उसमें तो बहुत कुछ हमने सुना है, जो आपने कल अच्छी अच्छी बातें बताई जी, और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है। मुझे लगता है कि आप जैसा, थैंक यू थैंक यू। बहुत ज़्यादा गाया नहीं जा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ। साथियों, आज की इस महफिल का हम यहीं पर समापन करते हैं। ये महफिल हमने आज उज्जैन के युवा गायक योगेश देवले को समर्पित की है, उनकी यादों को समर्पित की है। वे हमारे बीच में नहीं रहे पिछले दिनों, उनकी स्मृतियों में ये सभा थी। मैं देवले साहब से आग्रह करूंगा कि वे योगेश जी के बारे में दो शब्द कहें। सितंबर का महीना संगीत मनीषियों के लिए के जन्म का महीना माना जाता है, और ऐसे समय भाई योगेश का जाना, जैसे स्वरों की स्वर होते हैं उसकी श्रुतियाँ होती हैं, वैसे ही निश्चित ही वो स्वरों की कोई श्रुति बनकर फिर से नया जन्म लेगा। कला के लिए समर्पित, संगीत के लिए समर्पित व्यक्ति जिससे स्नेह है उस पर पूरी जान उड़ेलना और अपनी बात को स्पष्ट कहना, देवले परिवार के एक प्रतिष्ठित कलाकार एक अपनी सुमधुर गायकी से एक प्रतिष्ठित कलाकार बनने की सीढ़ी पर योगेश आ चुके था, और मुझे लगता है कि वो कहीं होगा। और आज राजेश केलकर जी ने जिस प्रकार से अभिषेक जी का परम भक्त प्रभाकर काका से गाना सीखा, सुधाकर काका से गाना सीखा, अभिषेक जी देवता हैं हमारे, पूरे देवले परिवार के देवत हैं वो, और निश्चित मान के चलिए कि वो आप सब लोगों को, हम सब लोगों के बीच में हैं, और पूरा देवले परिवार आपको इस समय साक्षात सुन रहा है। और अभिषेक जी को आपने जिस ढंग से आज याद किया है, मुझे लगता है कि वो निश्चित ही वो उसमें रसमय हो गया होगा, उसमें बस गया होगा। दो मिनट के मैं चाहता हूँ कि हम उसको श्रद्धांजलि दें, और उसके बाद आज की सभा का समापन करें। आज हमारे बीच में गोतकर सर, और मेरे एक निवेदन पर पावगी सर जो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, मैं उनको बहुत
आदर के साथ निवेदन करता हूँ कि वे अगली बार जब उनको संभव हो, बमरेली जी हैं वो अगर कभी यहाँ आए प्रस्तुति देने के लिए लाइव, तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का और फेसबुक पेज पर उपस्थित सभी रसिकों का, और साथ ही जो एक अनुभव आप लोगों ने लिया है, और साथ ही एक स्वर संस्कार की चौपाल एक ग्रुप है, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 50-60 लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों ने इस पूरे 3 दिन का आयोजन मेरे साथ मिलकर किया है। उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद देते हुए, केड़कर सर को साधुवाद देते हुए, घोटकर सर को साधुवाद देते हुए, मेरे गुरुजी पांडे जी को साधुवाद देते हुए उपस्थित, और जो सीधा सुन रहे हैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।